आम आदमी पार्टी की किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा का छठा दिन है। आम आदमी पार्टी की यह यात्रा 22 के 22 जिलों में और 90 विधानसभाओं में जारी है। इस यात्रा का लोग बहुत बढ़ के स्वागत कर रहे हैं और यही कारण है कि यात्रा 4 से 5 घंटे लेट चल पा रही है। सुबह 8 बजे शुरू करते हैं, रात को 11-12 बजे तक यात्रा मुश्किल से पूरी हो पाती है जो निर्धारित है। इसके अंदर इस यात्रा के अंदर खास बात यह है कि हमने खट्टर सरकार से निवेदन किया है कि आप जो 600 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार से एक को सरकारी नौकरी दी जाए। जिन किसानों के खिलाफ आपने देशद्रोही के और बाकी मुकदमे दर्ज किए उन मुकदमों को वापस लिया जाए। केंद्र सरकार से हम अर्ज कर रहे हैं कि आप तीनों काले कानून वापस लें, MSP की गारंटी का कानून बनाए। परंतु ये कुंभकर्ण नींद के अंदर सोरी BJP केंद्र और प्रदेश की सरकार तालिबानी ऑर्डर चलाने लगी है, अहंकार के अंदर आ गई है। इतने दिन के अंदर इन्होंने किसानों को कभी आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी ये कहा कि इनकी जड़ें चीन में है, कभी कहा पाकिस्तान में है। मैं खट्टर साहब से कह देना चाहता हूँ, इनकी जड़ें चीन और पाकिस्तान तक तो गई हुई है परंतु इस देश के बॉर्डर की रक्षा करने के लिए गए हुए हैं। इनके बच्चे एक सैनिक के रूप के अंदर वहाँ पे हैं और इनको आप ये गाली देने का काम ना करें, ये गाली देने का आप काम ना करें। ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या आपने पीपली से लाठीचार्ज शुरू किया था और पीपली से हिसार, रोहतक, अन्य जिलों में होते हुए अब आपने करनाल में सिर फोड़ने का आदेश दे दिया जी। ये लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है। एक अधिकारी की हिम्मत हो नहीं सकती कि मुख्यमंत्री के कहे बिना वो कहे किसानों का सिर फोड़ दो जी। और यहाँ पे भी खट्टर साहब का पेट नहीं भरा, उन्होंने अब किसानों की खेत छीने शुरू कर दिए। सबसे पहले हरियाणा सरकार ने ऑर्डर निकाला श्यामलाल दे की, श्यामलाल ठोले की, श्यामलाल पान्ने की जमीन हरियाणा सरकार के नाम कर दी गई और एक मुआवजे का 1 रुपया भी नहीं दिया गया। इसके साथ साथ 24 अगस्त को हरियाणा के विधानसभा में कानून पास किया कि जमीन एक्वायर करने के लिए प्राइवेट लोगों के प्रोजेक्ट के लिए जो 70% किसानों की सहमति की अनिवार्यता थी उसको समाप्त किया। यानी कि अब अडानी और अंबानी इस हरियाणा के अंदर जमीन पसंद करेंगे किसान की और खट्टर साहब एक्वायर करके उनके नाम रजिस्टर करेंगे। ये स्थिति किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं होती। हरियाणा के अंदर BJP और JJP की गठबंधन की सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, अल्पमत की सरकार है ये, जनता इसको वापस लाना चाहती है। और यही कारण है कि सारी दुनिया के अंदर और सारे देश के अंदर खाली हरियाणा राज्य ऐसे है जहाँ का मुख्यमंत्री एक समय पे डरता है, एक समय पे डरता है कि अपने हल्के के अंदर फंक्शन कर दे, एक समय पे डरता है अगर वो 12 बजे का समय फंक्शन का रखता तो 9 बजे रिबन काट के चला जाता कि जनता ना देख ले। तो ये कारण है उनके कड़वे वचन, उनके भद्दे वचन जो लोगों का खालिस्तानी बोलते हैं। और सबसे बड़ी इन्होंने एक साजिश रची, 26 जनवरी के दिन लाल किले से तिरंग पवित्र तिरंगे से छेड़छाड़ कराई और इस पवित्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की और उनके ऊपर देशद्रोही के मुकदमे करे। सर अभी लोगों को यात्रा को लेकर लोगों के बीच में निकले हैं, कैसा रिस्पांस मिला है और BJP? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, आप देख सकते हैं अभी हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं और मैं 5 घंटे लेट आया हूँ। हाँ मैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है और तो सारे टेलीविजन सारे अखबार सब कुछ बोल रहा है, सब कुछ आ रही है। वहाँ पे BJP और JJP के माइनस में वोटिंग है और कांग्रेस आपस में लड़ रही है। सिद्धू और अमरिंदर सिंह तय कर ले कौन BJP का है कौन कांग्रेस का है।
मैडम कहीं बच्चे।